दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को अकेले दम पर रौंदने के बाद विराट कोहली ने चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक तोड़ दिए टेस्ट इतिहास के 150-200 साल पुराने रिकॉर्ड। डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज भी हो गए कोहली से पीछे। तो आखिर कोहली की बल्लेबाजी के साथ उनका रिकॉर्ड तो आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी WTC वर्ल्ड कप फाइनल का चौथे दिन का मैच खेला जा चुका है, जहां इस मुकाबले में अभी भी भारतीय टीम ने अपना दबाव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बना के रखा हुआ है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि आज तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन के साथ पारी की शुरुआत की थी, तो इस बीच भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 8 विकेट अपने गंवाकर 270 रन पर ही पारी को घोषित कर दिया, जिसके चलते टीम इंडिया को लक्ष्य मिला 444 रन का। लेकिन दोस्तों एक समय पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को 444 रन बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और टीम इंडिया के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका है। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि जब भारत की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरेगी तो यहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऐसी साझेदारी कर डालेंगे जिसके बाद पूरी टीम हैरान हो जाएगी। हुआ ये कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े और इस बीच शुभमन गिल को बेईमानी से आउट किया, जो कि 19 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं स्कॉट बोलैंड के अंदर आती हुई गेंद पर कैमरून ग्रीन के हाथों उन्होंने कैच थमा दिया। तो ऐसे में शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद उतरे चेतेश्वर पुजारा, जहां पुजारा और रोहित के बीच 50 रन की साझेदारी हुई। लेकिन दोस्तों ये साझेदारी भी ज्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाई क्योंकि रोहित शर्मा नाथन लियोन की गेंद पर एक खराब शॉट खेल बैठे और रोहित शर्मा विकेट अपना गवा बैठे, जिसके चलते रोहित की पारी 60 गेंदों पर 43 रन बनाकर समाप्त हुई और अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके, 1 छक्का भी लगाया। तो रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही पुजारा 27 रन बनाकर आउट हुए और उनको पैट कमिंग्स ने चलता किया। अब ये तीन बड़े झटके भारतीय टीम को 93 रन के कुल स्कोर पर लग चुके थे। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे से पूरा भारत उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप देखने के लिए मिले और दोस्तों ऐसा ही होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक इसके बाद कोई विकेट भारत का गिरा नहीं और विराट कोहली ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। और इस बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि कोहली ने 44 रन बनाए, वो भी मात्र 60 गेंदों में, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने 20 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों आज विराट कोहली ने जैसे ही 44 रन पूरे किए तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट इतिहास के कई बड़े कीर्तिमानों को अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्ड आज तोड़े हैं। तो आइए एक एक करके आपको सभी रिकॉर्ड बताते हुए चलते हैं और जो इस सूची में लास्ट वाला रिकॉर्ड होगा उसको तो जानने बिना कहीं भी मत जाइएगा। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर पहला रिकॉर्ड जो निकल कर आता है वो ये है कि दोस्तों विराट कोहली ने आज जैसे 44 रन बनाए तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8,474 रन के आंकड़े को पार कर लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बतौर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो तीसरे नंबर पर अब आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने 5,000 रन तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बना डाले हैं और यहाँ आप सभी देख सकते हो कि पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है जिन्होंने 6,707 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वहीं दूसरे नंबर पर 51 की औसत के साथ विराट कोहली का नाम आ चुका है जिन्होंने 5,003 रन की पारी खेल ली है। और वहीं ब्रायन लारा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर डेरमंड हैंस का नाम आता है। तो दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने आज एक बड़ा ही कीर्तिमान अपने नाम किया, जहाँ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ 5,000 रन पूरे करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बराबरी कर ली। वहीं बात करें अगर आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, तो दोस्तों जो अगला रिकॉर्ड आज विराट कोहली ने तोड़ा वो ये है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली ने कई बड़े दिग्गज क्रिकेटरों को भार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विराट कोहली ने इंग्लैंड के घातक बल्लेबाज एलेक स्टेवर्ट को पीछे कर दिया है। तो वहीं वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाज विव रिचर्ड्स को भी पीछे करके विराट कोहली उनसे आगे निकल चुके हैं। हालांकि अब कोहली की निगाहें हैं कि वो जल्दी जल्दी वीरेंद्र सहवाग, मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, एवी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को भी पीछे करें और कीर्तिमानों को स्थापित करें। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं विराट कोहली के रिकॉर्डों को जानने के बाद अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।